हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू इंडियन फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? सो गाइस, आज मैं थोड़ा सा मेरा ठीक है, मतलब तबीयत अच्छा है, नहा धोकर आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हूँ, उसके बाद लंच की तैयारी करते हूँ। तो 11 बज रहे हैं और आज तीसरा चौथा आई थिंक नवरात्रि है, मुझे पता भी नहीं है। हाँ, तो तीसरा या चौथा है नवरात्रि, शायद पता नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरदार खतरनाक डेंगू हो गया था। मुझे और कबीर को, दोनों माँ बेटे को, दोनों को डेंगू हो गया था। तो वो कबीर को रिकवरी हो गया है, मुझे नहीं हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल एक दो दिन से ठीक लग रहा है। आज थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो नहाया, अच्छे से नहा धोया, बाल वॉश किए, दियाबाती किया, मैं दियाबाती करना था वो किया, क्योंकि शायद एक हफ्ते से हमारा घर पूरा बीमारी में हो गया था, क्या हो गया था पता नहीं, लेकिन एक मच्छर की वजह से दो बिना बीमार हो गए माँ बेटे कबीर और मैं। तो दवाई चालू है, कबीर का भी है, देखो यहाँ पर रखा है, कबीर का दवाई है। और मैं अभी थोड़ा सा कुछ बिंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। रिमोट यहाँ पर है एसी का, मैं यहाँ पर सो रही थी और अपने आप एसी चालू हो गया, देखो। अभी कभी टाइमिंग लगा रहता है ना, उसकी वजह से हो जाता है कबीर। और चलिए मैं आप लोगों को मेरा पूरा जो आंगन का बोल दिखाती हूँ। ये देखो, ये रखा रहा मेरा अच्छा वाला मोल, कितना अच्छा हो गया, अब अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर एक सेकेंड दिखाती हूँ, अभी वो वाला बाकी है, वो वहाँ पर भी लगा देना है टाइल्स। सारे मेरे पौधे मुरझा गए कितने दिनों से, देखो ये वाला भी मुरझा गया है। धूप अच्छा आया है, धूप अच्छी निकली है, ये सब साफ करना है, लेकिन बॉडी में इतना एनर्जी बचा नहीं रहा कि मैं कुछ करूँ काम काज, लेकिन करना पड़ेगा ना, मैं नहीं करूँगी तो। और 5 दिन सोना लाई थी उसके ससुराल से, और फिर 3 दिन मेरी मम्मी मेरे पास आती थी जाती थी, ऐसे बेचारी सारा काम काज करके वो वापस चली जाती थी। देखो मैंने गरबा भी लगाया है। सुबह मैंने उठकर पहले तो मैंने सारा झाड़ू वगैरह किया, तो उठकर फिर मैंने नहा धोकर गरबा लगाया है। ये है मौसम्बिया और ये है देखो मौसम्बी, तो इन सब का जूस ही पीना है, जूस ही पी रहे हैं माँ बेटे। मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा खाने में, बस ये थोड़ा सा मुँह को स्वाद दे रहा है, इससे थोड़ा सा मुँह थोड़ा सा कड़वापन दूर हो रहा है खा रहे हो। मुँह ऐसा चिमट गया, चिमट, बाद में ये रूम थोड़ा सा सही करूंगी। वो खाती हूँ ना, तो ऐसे मुँह पूरा मुँह अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा बालों में ऑयल लगा लेती हूँ, और अभी बज रहा है, एक सेकेंड, अभी बज रहा है 6:15 बज रहे हैं, तो बस ऑयल लगा लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी मेरा एक हेयर ऑयल का भी वीडियो हो जाए, तो मेरा व्लॉग आज का हो जाए कंप्लीट। और देखो ये फिर से इसे कभी तो कबीर को फिर से थोड़ा सा फीवर जैसा हो गया था, तो खांसी भी है, तो वो बस यहाँ पर लेट आराम कर रहा है, और मैं थोड़ा सा बालों पर मेरा जो बना ऑयल है वो लगा लेती हूँ। यार ये मेरे मोबाइल में
से क्यों एकदम क्लियर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्या मेरे आंखों में कुछ हो गया क्या? मुझे आज पार्लर का भी करना था थोड़ा सा फेशियल वगैरह, लेकिन आज वो नहीं आई। कोई बात नहीं, रूम में चली जाती हूँ। लाइट एक हफ्ते से बाल ऐसे खराब हो गए थे मेरे पूरी तरह से, मेरे बाल भी, मेरा मुंह, मेरा फेस, मेरा देखो तो सही, मेरा हालत कैसी हो गई है। अभी भी रिकवरी नहीं हो रहा है। भगवान कभी किसी को डेंगू ना हो, ध्यान रखो घर भर में। इतना मेरा पूरा घर इतना क्लीन रखती हूँ, साफ सुथरा, फिर भी मैं जो हमारे घर में देखो एक मच्छर डेंगू का कहां से आ गया। और थोड़ा थोड़ा सा असर कर मतलब एक हफ्ते से सर्दी थी हम दोनों को, माँ बेटे को, फिर इग्नोर किया। सर दर्द यार, जो ये वाला है ना वो बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द हो रहा है सर में ही ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे लगा आई होप भगवान कभी मेरे को जल्दी से ठीक हो गया, उसे वापस उसे कुछ नहीं, मैं तो काम करती जाऊँगी, बेड पर सो जाऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, ऐसे ऐसे कर। एक हफ्ते तक जो है सुबह जल्दी उठ कर चाय नाश्ता सब वो ही कर रहे थे। मैं आज ही सुबह जल्दी उठी 7 बजे, आज इसका बर्थडे है तो फिर भी वो भी 7:15 बजे तो वो उठ गए थे जयेश। तो चलो गाइस, आज इतना थोड़ा सा ही ऑयल लगाया था बालों में, नहीं इतना लगाया, फिर मैं वापस कल वॉश कर दूँगी, वॉश नहीं ज़्यादा कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं कल मिलूँगी नए वाले व्लॉग में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय, कल मिलूँगी।